बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू कीमे की पैटीज़ बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी और यमी बनकर तैयार होती है। इसे हम बहुत ही आसानी से और घर पर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये चाहिए, बॉईल किया हुआ आलू है, इसको ग्रेट कर लेना है, और ये बॉईल किया हुआ कीमा है। इसको अगर कीमा बॉईल किया हुआ ना हो तो आप इससे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉईल किया हुआ कीमा ले रही हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून है चावल का आटा, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 टीस्पून। सबसे पहले हम आलू में डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें कम या ज़्यादा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और हमारी बहुत टिक्की बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। ये देखिए आलू में सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे साइड में रखेंगे और फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हल्की हल्की गोल्डन होने लगी है, फिर हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसके साथ हम ये इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ कीमा। अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर और 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून नमक है, नमक टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं, और 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। सब चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक के पानी ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे मीडियम आंच पे, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर अच्छे से सब तरफ पहुंच जाए। इसे ढक के हमें 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट बाद देखिए इसे चेक करेंगे हम, इसका पानी ड्राई हो गया है, लेकिन हमें इसका पानी अभी और ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। हमें हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए इसका पानी हम अच्छे से ड्राई करना है। देखिए ये एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसे स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी टिक्की तैयार करेंगे। ये देखिए स्टफिंग हमारी ये ठंडी हो गई है और ये आलू है। सबसे पहले हम हाथ पे तेल या फिर पानी लगाएंगे और थोड़ा बड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसे हम फिर इसमें थोड़ी सी ऐसे स्पेस जैसा बनाएंगे और उसमें हम स्टफिंग रखेंगे।
उसके बाद थोड़ा सा हम आलू और लेंगे, उसको हाथ से करेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। जो हिस्सा दिख रहा होगा थोड़ा सा ही आलू लगाएंगे। इस तरह से हम सारे बनाकर रखेंगे। इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसमें ये एक एक करके टिक्की को डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक एक तरफ अच्छे से होने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, जिस तरह से हम सारी सबकी साइड चेंज करेंगे। और दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दोनों तरफ देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत प्यारा कलर आया है ये। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से हम सारी टिक्कियों को फ्राई करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी आलू कीमा पैटीज बनकर तैयार है। इसे आप सॉस या फिर किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी है, बहुत जल्दी हमारा ये बनकर तैयार होता है। ये देखिए मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ इसका लुक। देखिए ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।